أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم. ये सूरह हूद का जो आखिरी रुकू चल रहा है यही आयत आपके सामने तिलावत की गई। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फस्तकीम इस्तेकामत के साथ रहो, जमी रहो, कमा उमिरता जैसा कि आपको हुक्म दिया गया, वमन ताब माका और वो लोग के जिन्होंने आपके साथ में तौबा की, वला तदगौ और सरकसी मत फैलाओ, नाफरमानी मत करो, इन्नहु बिमा तअमलूना बसीर बेशक अल्लाह तबारक व ताला तुम जो कुछ भी अमल करते हो तो अल्लाह तबारक व ताला उसको देखता है। आज इंशाल्लाह किसी भी तरीके से इस रुकू को ख़त्म करना है। तो सूरह हूद के शुरू के अंदर में बताया था बाद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के ऊपर कुछ बाल सफ़ेद देखे या सर के अंदर में कुछ बाल सफ़ेद देखे तो अंदेशा किया कि या रसूलल्लाह आप पर तो बुढ़ापा तारी हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयबत में हूद, ये शुरू के अंदर में बताया था जब सूरह हूद की तफ़सीर जब शुरू हुई थी तब बताया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयबत में हूद, सूरह हूद ने मुझे जो है बूढ़ा कर दिया। उलमाए किराम ने लिखा है जो पहले दिन बात बताई थी कि सूरह हूद के अंदर में अगले अंबिया अलैहिस्सलाम का अल्लाह तबारक व ताला ने तस्कीरा फरमाया, उनकी नाफरमान कौमों का तस्कीरा फरमाया, उनके ऊपर अल्लाह तबारक व ताला ने जो अज़ाब नाजिल किया उसका तस्कीरा फरमाया, जहन्नम का तस्कीरा अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, नाफरमान कौमों का तस्कीरा फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये सारी बातें जो आई तो इसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़्यादा गमगीन हो गए, फिक्रमंद हो गए। दूसरी बात, ये जो अभी आयत आपके सामने पढ़ी फस्तकीम कमा उमिरता वमन ताब माका वला तदगौ, इस आयत की तफसीर के अंदर में उलमाए किराम ने लिखा है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सैयबत में हूद, सूरह हूद ने मुझे बूढ़ा कर दिया, तो सूरह हूद से मुराद जो है ये आयत है, ये आयत फस्तकीम कमा उमिरता वमन ताब माक वला तदगौ इन्नहु बिमा तअमलूना बसीर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आयत में जो है मुझे बूढ़ा कर दिया। इसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद हुक्म दिया इस्तेकामत के साथ में रहो, जमे रहो। इस्तेकामत का जो लफ्ज है लुगत के अंदर में डिक्शनरी के अंदर में इस्तेकामत का जो तर्जुमा है कि कोई सुतून है या कोई लकड़ी है जिसको चारों तरफ से सपोर्ट किया जाए और वो सीधी लकड़ी खड़ी रहे, ना दाहिनी जानिब ना बाईं जानिब ना आगे ना पीछे,
किसी भी तरह टेढ़ी ना हो, झुके ना, और हर हाल के अंदर ना हो, सीधी ही रहे, तो इसको कहते हैं इस्तेकामत लुगत के अंदर में। और शरीयत के अंदर में, हदीस के अंदर में, तफसीर के अंदर में, दीन के अंदर में इस्तेकामत किसको कहते हैं? इस्तेकामत ये जो लफ्ज़ है जिसका लुघवी तर्जुमा शाब्दिक अर्थ अभी जो बताया, तो उसके साथ कोई ना कोई ताल्लुक है। शरीयत के अंदर में जो इसका माना और मतलब है, और लुगत के अंदर में जो माना और मतलब है, कोई ना कोई उसका ताल्लुक है और होता है। आप शरीयत के अंदर में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी अहकाम हैं, इबादत है, मामलात है, जो भी है, उसका लुघवी माना और शरीयत के अंदर में उसका नाम ऐसा क्यों रखा गया, कोई ना कोई उसके साथ में ताल्लुक होता है। मिसाल के तौर पर हज, हज का जो लुघवी माना है लुगत के अंदर में डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे कि भाई हज किसको कहते हैं, हज यहूद जो हज का माना है कस्द करना, इरादा करना, हज का माना है इरादा करना। और शरीयत के अंदर में हज किसको कहते हैं? मखसूस ज़माने में, मखसूस जगह में, मखसूस हैयत के साथ, मखसूस अरकान को अदा करने का नाम हज है। साल भर के अंदर में तो हज अदा नहीं होता, उसके लिए ज़माना मखसूस है, और हर जगह के अंदर में हज नहीं होता। ये तो है नहीं कि सात मरतबा अजमेर जाएगा तो हाजी बन जाएगा, हाजी नहीं बनेगा, हाजी बनेगा। कहीं पर भी जो है हज होगा तो एक ही जगह होगा, मखसूस जगह है, वक्त मखसूस है, और उसके लिए कपड़े जो पहने जाते हैं ये भी मखसूस है, और जो इबादत की जाती है वो भी मखसूस है। अब वही इबादत अगर हम यहाँ पर करेंगे तो वो इबादत अदा नहीं होगी। तो हज को हज इसीलिए कहते हैं। सलात हम नमाज को कहते हैं, और सलात अरबी जबान के अंदर में दुआ को भी कहते हैं, और सलात जलने को भी कहते हैं। अब जो हम नमाज पढ़ते हैं उसके अंदर में दुआ भी है, और नमाज पढ़ते हैं उसकी वजह से गुनाह भी जल जाते हैं, गुनाह माफ हो जाते हैं, इसलिए नमाज को सलात कहते हैं। इसी तरीके से ज़कात, ज़कात का माना है साफ होना, सुथरा कर देना, सफाई कर देना। और ज़कात जो हम माल अदा करते हैं ये 2.5% या 40वां हिस्सा, ये मखसूस मिकदार में से मखसूस मिकदार माल को मखसूस आदमियों को देना और उसको मालिक बना देना, इसको ज़कात कहते हैं। अब एक मरतबा ज़कात निकालने वाले ने ज़कात निकाल दी तो उसका बकिया जो माल है वो साफ सफा भर सुथरा हो गया, पाक हो गया। ऐसे सैकड़ों मिसालें हम दे सकते हैं आपको कि अरबी ज़बान के अंदर में लुगत में और शरीयत के माने के अंदर में कोई ताल्लुक होता है। अब इस्तेकामत का लुघवी माना हमने बताया कि सीधा खड़े रहना, सुतून का। और शरीयत के अंदर में इस्तेकामत किसको कहते हैं? शरीयत के अंदर में तमाम मुफस्सिरीन ने और उलमाए किराम ने लिखा है कि शरीयत के जितने भी शोबे हैं, शरीयत के जितने भी शोबे हैं, इन तमाम शोबों को अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके के मुताबिक ज़िंदगी भर अदा करते रहना, ज़िंदगी भर अदा करते रहना, इसको कहते हैं इस्तेकामत। मामला ये अकायद है, शरीयत के जो शोबे हैं, इस्लाम के जो शोबे हैं, ये अकायद है। अकायद के अतबार से तौहीद है जो हम कई दिनों से सुनते हैं, रिसालत है रसूलों के ऊपर में ईमान लाना जो हम कई दिनों से सुनते हैं, अल्लाह को मानना जैसा कि वो है, उसको किसी भी सिफत के अंदर में गिरा न देना, रसूल को मानना जैसा कि उनका मर्तबा है, रसूल को अपने मर्तबे से बड़ा न देना। को रसूल को माने, इतना माने, इतना माने कि रसूल को उसके रुतबे से, दर्जे से भी बढ़ा दे रहे, तो ये भी मतलब नहीं है, ये इस्तेकामत नहीं है। बीच वाला जो रास्ता है, इहदीन सिरात अल मुस्तकीम वाला जो रास्ता है, यही इस्तेकामत है। यहूद ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को, जो अल्लाह के नबी थे, रसूल थे, बेटा माना, अल्लाह का बेटा माना। नसारा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को
जो रसूल थे इतना बढ़ाया इतना चढ़ाया कि उनको भी बेटा माना। मक्का के मुशरिकी और कुफार ने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां माना। तो अकाइद के अंदर में, फिर मामलात के अंदर में, फिर इबादात के अंदर में, फिर मुआशरत के अंदर में, लेन देन के अंदर में, माली लाइन के अंदर में, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके के मुताबिक लगे रहना, जमे रहना, जिंदगी भर उसी के मुताबिक करना, इसको कहते हैं इस्तिकामत। इसीलिए आम तौर पर हम दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, किसी को अच्छा काम करते हुए देखा, अगर आपने उसकी तारीफ की कि माशाल्लाह आप नमाज पढ़ते हैं, माशाल्लाह आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं, माशाल्लाह ने सुना कि आप जिक्र कर रहे हैं, तो सामने वाला क्या कहेगा कि दुआ करो अल्लाह ताला इस्तेकामत नसीब फरमाए। ये है इस्तेकामत, यानी एक मरतबा, दो मरतबा, एक दिन, दो दिन, महीना, हफ्ता, 15 दिन, साल भर किया और उसके बाद में छुट्टी, ऐसा नहीं है, मरते दम तक इसके ऊपर में जमा रहना, इसको कहते हैं इस्तेकामत। इस पर और भी है लंबी चौड़ी तफसील और तशरीह और तफसीर और भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने खुद हुक्म दिया, फस्तकीम, ए नबी इस्तेकामत के साथ में रहो, कमा उमिरता, जैसा कि आपको हुक्म दिया जाता है, वमन ताबा माका, और वो लोग के जिन्होंने तुम्हारे साथ में तोबा की है उनसे भी कहो कि इस्तेकामत के साथ में रहे और ज्यादती न करें, वला तदगव, ज्यादती न करें। जिसको जिस नेहज के साथ, जिस तरीके के साथ अदा करना चाहिए, इस तरीके के साथ में अदा करें। अब अल्लाह तबारक व ताला ने सारे अहकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकाम का निफाज खुद किया, अमली तौर पर किया और करवाया। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं फस्तकीम कमा उमिरता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा करते थे कि इस आयत ने जो है मुझे बूढ़ा कर दिया। और जाहिर बात है कि ये आयत सूर हूद की है, इसलिए हदीस शरीफ के अंदर में आता है कि शैयबतनी हूद, सूर हूद ने जो है मुझे बूढ़ा कर दिया। इन्नहु बिमा तअमलूना बसीर, हुक्म दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमे रहने का। ये कुरान पाक की आयत आज मुझे और आपको भी यही हुक्म देती है, कुरान पढ़ें। कुरान पढ़ेंगे तो क्या कहता है कुरान, फस्तकीम, जमे रहो, कमा उमिरता, जैसा कि तुमको हुक्म दिया जा रहा है शरीयत की तरफ से, जैसा कहा जा रहा है। और जो भी आपकी बात मानने वाले हैं, आपके साथ में जो मोमिनीन हैं, उनको भी ये कह दो। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहु बिमा तअमलून बसीर, हुक्म दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कुरान पाक की फसाहत और बलागत देखिए, बात शुरू हुई कहाँ से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया फस्तकीम, जमी रहो, इस्तकामत के साथ में रहो, ऐसा जैसा कि तुमको हुक्म दिया गया। अब आयत को जब ख़त्म करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला क्या फरमाते हैं, इन्नहु, बेशक वो, यानी अल्लाह तबारक व ताला, मा तअमलूना, जो तुम करते हो, बसीरुन, उसको देखता है। अब यहाँ पर यह नहीं कहा कि ये रसूल जो तुम करते हो उसको हम देखते हैं, या रसूल जो भी करते थे उसको हम देखते थे, रसूल को नहीं कहा, हमें और आपको कहा कि इन्नहु बिमा तअमलूना बसीर, बेशक वो यानी अल्लाह तबारक व ताला जो कुछ भी तुम अमल करते हो उसको अल्लाह तबारक व ताला देखता है। इसकी तफसीर के अंदर में उलमा किराम ने लिखा कि आदमी दीन पर चले और किसी चीज़ को दीन समझ करके चलता है, लेकिन वाकईतन वो दीन है या दीन नहीं है, इसलिए अल्लाह तबारक व ताला देखता है। आदमी खामखा तकलीफ उठाने के लिए मशक्क़तें उठाते हैं, आप देखें न मालूम कहाँ बॉम्बे से लेकर के कहाँ साम्राज्य तक और न मालूम कहाँ हिमालय तक चलते चलते जाते हैं और पाँव के ऊपर में वरम भी आ जाते हैं। ये क्यों करते हैं, ये गलत समझते हैं, ये दीन समझ करके, हक समझ करके और मजहब के ऊपर में अमल समझ करके वो करते हैं। तो ऐसे लोगों को हिदायत नहीं मिलती,
आपने आज भी पढ़ा होगा सूरह कहफ के अंदर में, अल्लज़ीन ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, जिन लोगों की कोशिशें और जिन लोगों के आमाल दुनियावी ज़िंदगी के अंदर में रायगा गए, जाए गए, गुमराही के रास्ते के ऊपर में पड़ गए, ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया दुनियावी ज़िंदगी में, वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनअ, और वो गुमान करते हैं कि हम जो काम करते हैं वो अच्छा काम करते हैं। ये बिदती लोग जीवित, बिदती लोगों को सुन्नी नहीं कहना चाहिए, बिदतित कहना चाहिए, वो कहे कि सुन्नी है, सर से लेकर के पांव तक एक सुन्नत का नामो निशान नहीं है और उनको हम सुन्नी कहेंगे, वो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, हम तो इसीलिए उनको हाँ सुन्नी कहना जो कहो इसलिए कि सुनते नहीं है, सुनते नहीं, सुनाई चलते, सुन्नी हम हैं, अहले हदीस भी हम हैं, वो अहले हदीस नहीं है, हम अहले हदीस है, समझे। ये तो ये सुन्नी लोग जो है, ये बिदती लोग जो हैं, बिदती लोग ये जो कुछ भी बिदतें करते हैं कैसी करते हैं, दीन समझ करके करते हैं। बिदत किसको कहते हैं, बिदत कहते किसको हैं, ईजाद फिद दीन, ईजाद फिद दीन, दीन के अंदर में कोई चीज़ को बढ़ा देना, दीन में एक थोड़ा सा फर्क समझ लो, शायद पहले भी मैंने बताया था कि एक है ईजाद फिद दीन, दीन के अंदर में किसी चीज़ को बढ़ा देना, और दूसरा है ईजाद लिद दीन, दीन के लिए किसी चीज़ को बढ़ाना। अब मदारिस का जो निज़ाम है, दावत और तबलीग का जो निज़ाम है, खानकाही लाइन का जो निज़ाम है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था। ये मदारिस का निज़ाम, चाहे मकतब का निज़ाम हो, बड़े जामियात या दारुल उलूम का निज़ाम हो, या खानकाहों का निज़ाम हो, नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर में। तालीम तरबियत उसका मरकज़ मस्जिद नबवी थी। कोई आदमी ईमान लाता और उसके बाद में पूछता कि अब मुझे क्या करना है, तो कि यहाँ ठहरो, यहाँ रहो। तो मदीना मुनव्वरा की जो मस्जिद नबवी थी, ये दीन का, ईमान का, अमल का वगैरह सबका वो मरकज था। कोई भी अगर सवाल करता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते यहाँ ठहरो। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि या रसूलल्लाह, मुझे नमाज के अवकात बतलाओ, नमाज के अवकात बतलाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठहर जाओ, पहले दिन पांचों नमाजों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू वक्त के अंदर में नमाज पढ़ाई, जैसे नमाज का वक्त हुआ और नमाज पढ़ा दी, एक दिन। दूसरे दिन सारी पांचों नमाजों को आखिरी वक्त के अंदर में पढ़ाया कि बस अब ये नमाज सलाम फेर दी, दो चार मिनट के बाद में या दो तीन मिनट के बाद में वक्त ख़त्म हो जाएगा, आखिरी वक्त के अंदर में पढ़ाया। दो दिन नमाजों को पढ़ाने के बाद मजलिस के अंदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-नसाइलु अन औकातिस सलात, नमाज के औकात के बारे में जो पूछ रहे थे वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा क्या ना या रसूल अल्लाह, मैं हूँ ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दो दिनों के अंदर में नमाज पढ़ी, पहले दिन में शुरू वक्त के अंदर में नमाज पढ़ी थी और दूसरे दिन के अंदर में आखिरी वक्त के अंदर में नमाज पढ़ी थी, इन दो वक्तों के दरमियान के अंदर में हर नमाज का वक्त है। फजर की नमाज जब शुरू होती है तो शुरू वक्त में पढ़ाई, फिर आखिरी वक्त में पढ़ाई, और फिर आपने फरमाया कि बस ये वक्त है फजर की नमाज के लिए, ये वक्त है जहर का, ये असर का, ये मगरिब का, ये ईशा का वगैरह। तो अमली तौर पर जो है ये इसलिए हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि सहाबा किराम के नफूस के अंदर में था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की वजह से दीन और ईमान और शरीयत और आमाल और माशरत सब नफूस के अंदर में था। अब सिर्फ नुकूस के अंदर में रह गया, किसके अंदर में, किताबों के अंदर में आ गया, दीन जो है किताबों के अंदर में आ गया। तो हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि दावत और तबलीग की मेहनत के जरिया से ये चाहा जाता है कि जो दिन नुकूस के अंदर में है वो दिन नुफूस के अंदर में आ जाए। बहुत सी बातें ऐसी
एक साथ बयान फरमा देते थे कि हम जैप पर भरोसा नहीं रखते, हम गैप पर भरोसा रखते हैं, इस तरीके से बहुत सी बातें बयान फरमा दी। बगर के दावत और ये तबलीग है या मदारिस का जो निज़ाम है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर में ऐसा नहीं था जैसा कि आज है। चालू किया, जारी किया, दीन के फ़ायदे के लिए जारी किया, इसको कहते हैं ईजाद लिद्दीन। अच्छा, ये है बिदत। बिदत कहते हैं नई चीज़ को, तो ये भी नई चीज़ है, लेकिन ये है बिदत हसना। बिदत हसना, अच्छी नई चालिक चालू की हुई चीज़। इसलिए ये तरावी जो है दो चार आदमियों की जमात होती थी और 20-20 रकात पढ़ते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा निकले तो देखा कि मस्जिद नबवी के अंदर में इधर उधर जमातें हो रही है। तो हजरत उबै इब्ने काब रजी अल्लाह तआला जो बड़े कारी थे, कारी साहब, उनको बुलाया, मुसल्ले पे उनको चढ़ाया और कहा कि सब उनके वैसे नमाज पढ़ो, सब नमाज पढ़ो। तो उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि नेअमतिल बिदअतु हाज़िही, नेअमतिल नेअमत, नेअमत यानी बहुत अच्छी है, अल बिदअत यानी ये जो नई चीज़ हमने जो ईजाद की वो बहुत अच्छी है, तो ये बिदअत हसना है। अब जो मदारिस का निज़ाम है, दारुल उलूम का जो निज़ाम है, हैं कि गर्मी के अंदर में ठंडा पानी, ठंडी में गर्म पानी, और अब तो एसी भी लग गई है मस्जिदों में वगैरह के अंदर में, पंखे, लाइटें, खाना पीना, और कपड़े भी धो देवे, और खाना भी, मैं तो आमतौर पर हमारे पास पढ़ने वाले बच्चों को यही कहता हूँ कि तुम हाथ धो करके खाना खाने के लिए बैठते हो और बगैर हाथ धोए उठ जाते हो। हाथ धो करके खाना खाने के लिए बैठते हैं तो उठते तो कैसे उठते हैं, बगैर हाथ धोए उठते हैं। फिक्र नहीं है कि तेल के डिब्बा का कितना है, नहीं दाल का कितना है, कि गेहूँ का कितना है। अगर बंद कर दिया जावे खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह के, जैसे जमात के अंदर में कि अपनी जान और अपना माल, देखो फिर मदरसों के अंदर में कितनी तादाद बाकी रहती है। तो ये ईजाद लिद्दीन है, ईजाद लिद्दीन है। खानकाहों के अंदर में जो तज़किया नफ्स जो किया जाता है, ये भी ईजाद लिद्दीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर में अगर कोई आदमी आता और आपके हाथ पर बैअत इस्लाम करता, यानी आपके हाथ पर मुसलमान होता, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उस आदमी के ऊपर में पड़ती तो जितनी भी अखलाक रज़ीला, जितनी भी बुराइयां दिल के अंदर में होती थी, वो सारी की सारी एक नज़र की वजह से ख़त्म हो जाती थी। बस फिर ज़रबे लगाने की और ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र बिल जहर करने की और ये वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं थी। ये तो बहुत दूर की बात है और बहुत बड़ी बात है, अल्लाह के नबी की बात है। ये तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि उनके सफ़र के अंदर में ख्वाजा की नज़र जिन जिन पर पड़ी या जिन जिन की ख्वाजा पर नज़र पड़ी, सबको अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की नेमत से नवाजा। और उनके हालात के अंदर में लिखा है कि एक सफ़र के अंदर में 90 लाख मुसलमान हुए थे। कितने? अच्छा, अब ये जो शिर्क से आए थे, कुफ्र से आए थे, और तरबियत देने वाला सेवक एक था, तरबियत दे रहे थे और आपके साथी भी थे जो तरबियत दे रहे थे, लेकिन तरबियत मुकम्मल नहीं हो पाई और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की वफात हो गई। तो उसके बाद में जो पुरानी जो चीज़ें थी वगैरह, तो बुतों को मानते थे, उनको छोड़ करके फिर ख्वाजा को मानने के अंदर में लग गए और फिर शिर्क और बुत परस्ती का, नहीं तो ख्वाजा परस्ती के अंदर में मुब्तला हो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर में ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। ये तो 10 दिन के अंदर में भी ख़त्म नहीं होगा। वला तरकनू इला लदीन ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। अब हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देता है कि वला तरकनू मत झुको इला लदीन ज़लमू, ज़ालिमीन की तरफ। अगर कोई जुल्म करता है, उसके डर की वजह से उसकी बात की फरमा बरदारी करना, इताअत करना, उसकी गलत बात को सच्चा कहना, ये झुकना है। अल्लाह ताला ने मना फरमाया, वला तरकनु इला लदीन ज़लमु, मत झुको उन लोगों की तरफ जिन्होंने जुल्म किया। फतमस्सकुमुन नारु, ये दरसे कुरान है, दरसे तफसीर है, सिर्फ फजल फजल नहीं, वही भी आती है,
फतमस्सकुम नार, जहन्नम छू लेगी। अगर जालिम की तरफ झुकाव बढ़ाओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि तुमको भी जहन्नम छू लेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर जालिम की तरफ तुमने झुकाव पैदा किया, उसकी ताईद की, तो याद रखो वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं, दोस्त है कि जो मदद करे और छुड़ावे सजा से। सुम्मा ला तुनसरून, फिर तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। हजरत अब्दुल्ला बिन सफ़ान अस्सकफी ताइब के रहने वाले थे रदी अल्लाह अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मुझे एक जामिया माने बात बता दो। जामिया, जामिया यानी सारी बातें उसके अंदर में आ जाए, माने यानी किसी चीज़ की ज़रूरत न पड़े, उसको कहते जामे और माने, ऐसी बात कि सब कुछ उसके अंदर में आ जाए और दूसरी कोई चीज़ उसमें आ न सके, ऐसी जामे और माने बात मुझे बताओ कि आपके बाद मुझे किसी से नसीहत हासिल करने की ज़रूरत न पड़े, ऐसी नसीहत मुझे कर दो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल आमंतु बिल्लाही सुम मस्तकीम व तबी वला तबतदी, ये चार चीज़ें बयान फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पहले फरमाया कि कुल आमंतु बिल्लाही, मैं अल्लाह पर ईमान ले आया। अब ये जो हम अल्लाह की ज़ात और सिफात की बारे में जो बयान करते हैं, वो सब कुछ आ गया, यानी ईमान वाली बात आ गई, अल्लाह से होने का इकरार, गैर अल्लाह से न होने का इकरार वगैरह सब कुछ आ गए। कुल आमंतु बिल्लाही, मैं अल्लाह पर ईमान ले आया। करने धरने वाली ज़ात अल्लाह की है, नफ़ा अल्लाह के हाथ में, नुकसान अल्लाह के हाथ में, कोई कुछ नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। कुल आमंतु बिल्लाही सुम मस्तकीम, फिर इस पर जमे रहो, कुछ भी हालात आवे और कुछ भी तकलीफ वगैरह परेशानी आवे तो बस इसके ऊपर में जमे रहो। व तबी, हर हाल के अंदर में या हर शक्ल सूरत के अंदर में अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़ों की इत्तिबार पैरवी करो। तीन चीज़ें। चौथी चीज़ बयान फरमाई वला तब तदी, और बिदत मत करो, यानी ऐसी चीज़ें कि जो दीन के अंदर में नहीं है उसको दीन समझ करके करें, उसको कहते हैं बिदत। मन अहदथ फी अमरिना मालैसा फीहि फहुवा रद्दुन, जिसने हमारे दीन के अंदर में किसी चीज़ को बढ़ाया और वो नहीं है दीन के अंदर में, तो रद्द है, बिदत है और गुमराही, और हर गुमराही जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। अब बिदतियों को देखो कि बिदती लोग क्या क्या करते हैं, और शरीयत और दीन को देखो, शरीयत के अंदर में क्या है। बस बिदत की तारीफ ये समझो कि शरीयत के अंदर में न हो ऐसे काम दीन समझ करके अगर कोई आदमी करे तो उसको बिदत कहते हैं। वला तरकनू इलल्लज़ीन ज़लमू फतमस्सकुमुन नारु वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून, और तुम्हारे लिए अल्लाह को छोड़कर कोई दोस्त नहीं है और न तुम्हारी मदद की जाएगी। इस्तेकामत के बारे में और भी उलमाए किराम ने लिखा है, खैर व अकीम सलाता तरफ़ नहार, नमाज को कायम करो दिन के दोनों हिस्सों के अंदर में। तो इसमें फजर की नमाज भी आ गई और मगरिब की नमाज भी आ गई। बाज़ लोगों ने फजर की नमाज और ईशा की नमाज कही। वह ज़ुलफ़ मिनल लैली, और रात के कुछ हिस्से के अंदर में, इसमें ईशा की नमाज भी आ गई, फजर की नमाज भी आ गई, तहज्जुद की नमाज भी आ गई। तो अल्लाह तबारक व ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया, इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यिआत, बेशक हसनात नेकियाँ ये सय्यिआत को ख़त्म कर देती है। हसनत कोई भी अच्छा काम है, नेक काम है, इसको हसना कहते हैं। हसनतुन हसना नेक काम। आप घर से निकले, घर पर आपने वजू किया, वजू करके आप निकले तो मस्जिद पहुंचने तक हर हर कदम के ऊपर में अल्लाह तबारक व ताला
अज्र और सवाब लिखता है, हैं, 10 गुना माफ होते हैं और 10 नेकियां लिखी जाती है। आदमी जब चलते चलते मस्जिद तक पहुंचता है तो उसके गुना माफ हो चुके होते हैं, फिर नमाज पढ़ता है, नमाज के अंदर में भी इस्तिगफार भी है और नमाज ये नेकी भी है, हसना भी है, बड़ा अमल है, तो उसके सारे गुना माफ हो जाते हैं। आम तौर पर गुनाहों की माफ होने की बात कहीं पर भी सुनो या किसी भी आयत, किसी भी कुरान की तफसीर के अंदर में या किसी भी किताब के अंदर में यूं देखो क्या ये गुना माफ हो जाते, उस गुनाहों से मुराद गुनाह सगीरा माफ होते हैं। वुजू किया, गुनाह सगीरा माफ हुए, वुजू करके घर से मस्जिद तक चल करके आए, गुनाह सगीरा माफ हुए, हैं, किसी को सदका किया, सदके का सवाब तो मिलेगा लेकिन ये भी हसना है, नेकी है, तो अल्लाह तबारक व तआला गुनाह सगीरा को माफ करेगा। गुनाह कबीरा जो है वो तौबा से माफ हो जाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्बा लहु, कि गुनाहों से जो तौबा करने वाला होता है तो ये ऐसा है कि जैसा कि उसने कोई गुनाह ही नहीं किया। तो जिस शरीयत में गुनाह को गुनाह कहा या जिस शरीयत में जिस अमल को जिस चीज को गुनाह बतलाया उसी शरीयत में कहा कि तौबा करोगे तो तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। इसीलिए उलमाए किराम ने लिखा है कि अल्लाह ताला से इतना डरना कि नेकी का काम भी ना हो सके, या अल्लाह तबारक व ताला से इतनी ज़्यादा उम्मीद रखना कि कोई अमल न करे, कि नहीं अल्लाह गफूर है ना, अल्लाह रहीम है ना, अल्लाह करीम है ना, अल्लाह सत्तार है ना, अल्लाह गफ्फार है। एक मर्तबा दिल के अंदर में अल्लाह का डर पैदा हुआ, कितना डर पैदा हुआ कि गुनाहों से बचावे, इतना डर पैदा हुआ कि गुनाहों से आदमी बच जाए और नेकी की तरफ पहुंचा देवे और नेक अमल किया। अब अल्लाह तबारक व ताला से उम्मीद रखता है और उम्मीद भी कितनी रखता है कि अल्लाह के अहकाम के मुताबिक चलना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी तरीकों के ऊपर में चलना और फिर अल्लाह की ज़ात से नरमी का, माफ़ी का, जन्नत का बख्श देने की उम्मीद रखना। उलमाए किराम ने लिखा है कि ये जो खौफ था और ये जो रजा है यानी उम्मीद है, अल्लाह से डरने की कैफियत और अल्लाह से उम्मीद रखने की कैफियत, ये जो दो कैफियतें हैं, उन दो कैफियतों के बीच के अंदर में जो कैफियत पैदा होती है उसी कैफियत का नाम ईमान है। ईमान किसको कहते हैं? हदीस में ये हदीस का मतलब समझाता हूँ। अल ईमानु बैन रजा वल खौफ, अल ईमानु बैन रजा वल खौफ। ईमान किसका नाम है? हैं, उम्मीद का और खौफ का। पहले भी सुना था हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमा करते थे कि अगर मैदान हश्र में ऐलान हो जाए कि सारे लोग जन्नत में जाएंगे लेकिन एक आदमी जहन्नम में जाएगा, तो अल्लाह से मैं डरता हूँ कि वो जहन्नम में जाने वाला मैं ही होऊंगा। और अगर ये ऐलान हो जाए कि सारे लोग जहन्नम में जाएंगे, एक आदमी जाएगा जन्नत के अंदर में, तो मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखता हूँ कि वो एक आदमी जन्नत में जाने वाला भी मैं होऊंगा। तो उम्मीद और खौफ, इन दो के बीच के अंदर में जो दिल में कैफियत पैदा होती है ना, दिल में कैफियत, उस कैफियत का नाम ईमान है। और ये चीज़ें ऐसी है कि इसका ताल्लुक हवा से, खमसा जाहिरा से नहीं है, यानी देखने से, सुनने से, पकड़ने से, छूने से नहीं है। और आम तौर पर ये बहुत लंबी चौड़ी तफसील है, एक दो मिनट के अंदर मैं शॉर्ट कर देता हूँ। केला मीठा, केला कैसा है? मीठा। पपीता मीठा, तरबूज मीठा, खरबूजा मीठा, आम और कैरी मीठी, अनन्नास मीठा, शकर मीठी, गुड़ मीठा। कोई आदमी आवे और मुझे लिख करके दे कि केला ऐसा मीठा है, पपीता ऐसा मीठा है, या मौसम्बी नारंगी ऐसी मीठी है, कोई लिख करके दे, कोई नहीं लिख सकता, कोई नहीं बता सकता। हाँ, आसान तरीका है कि भाई देखो मीठा है तो यहाँ के कैसे मीठा है, कह लो चखो, केला आपने चखा दिया तो वो कहेगा कि हाँ अब मेरे को समझ में आ गया ये केले का मिठास है, लेकिन वो समझा नहीं सकता। आप समझाओ, चलो आप समझाओ भाई केला कैसे मीठा होता है,
हैं, अंगूर कैसा मीठा होता है, पपीता कैसा मीठा होता है, नहीं समझा सकते। नहीं, इसी तरीके से आमाल से जो कैफियत पैदा होती है किसके अंदर में, दिल के अंदर में, उस कैफियत का ताल्लुक आदमी महसूस करता है लेकिन वो बयान नहीं कर सकता। ईमान से जो कैफियत पैदा होती है उसको बयान नहीं कर सकता। हाँ, उसके उसके आसार और उसकी निशानियाँ जाहिर होती है कि ईमान कमजोर होता है तो आदमी गुनाह के अंदर में मुब्तला हो जाता है, ईमान कवि और मजबूत होता है तो गुनाह से आदमी की हिफाजत हो जाती है। इसके अलावा एक दो बातें और भी मुझे बयान करना थी, तो इन्नल हसनात युधिबन सय्यात ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये नसीहत है नसीहत हासिल करने वालों के लिए। वस्बिर, सब्र करो, फ़इन्नल्लाहा ला युदीउ अज्रल मुहसिनीन, इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला नेकी के काम करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। ये कानून बतला दिया कयामत तक के लिए, इन्नल्लाहा ला युदीउ अज्रल मुहसिनीन, कोई भी नेकी का काम करो और जिसके साथ में नेकी का भलाई का मामला करो ना, तो नेकी का काम करने के बाद में उसको भूल जाओ, नेकी को तो भूल जाओ, जिसके साथ में नेकी का मामला किया गया उसको भी भूल जाओ बस, तो फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ क्यों होती है, हम नेकी का काम करते हैं, किसी के ऊपर में एहसान करते हैं, फिर हमको जो कब जरूरत पड़ती है और उसको किसी काम से कहते हैं, अगर बेचारा वो मजबूर है तो नहीं कर सकता, तो हम पूरी बातें समझाते हैं कि फलाने वक्त में ऐसा था, ये था, वो था, भूल गए, हमने तुम्हारी मदद की थी, रात के वक्त में आए थे, घर में डिलीवरी का मसला था और ऑपरेशन था, सीजर था, ये था, वो था। वला तुबतुलु सदकातिकुम, वला तुबतुलु सदकातिकुम बिल मन्न वल अज़ा, अपने सदकात को, अपनी खैरातों को, अपनी नेकियों को मन, मन यानी एहसान जतलाना, एहसान जतलाना, मैंने ऐसा नहीं किया था है ना, कहता है मन वल अज़ा, तकलीफ दे करके अपने सदकात को क्या करो, ज़ाया मत करो। इसलिए आमतौर पर मैं तो यही कहता हूँ कि किसी के साथ में नेकी का मामला करो, उसके बाद में उसको भी भूल जाओ और जो नेकी की उसको भी भूल जाओ। अपने को याद रखने की जरूरत तो है नहीं कि रामन कातिबिन क्या करेंगे, अगर हमज याद रखेंगे तो अल्लाह ताला उठाने लगे दो फरिश्तों को, दो फरिश्तों को क्यों रखा हुआ है, नेकी और बदी लिखने के लिए। तो इसके बाद ये जो सूरह हूद के अंदर में अंबिया अलैहिस्सलाम का अल्लाह तबारक व ताला ने तस्किरा फरमाया, इसीलिए तस्किरा फरमाया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हो जाए कि देखो अभी तो ऐसे हालत आप पर तो नहीं आए, अम्बिया अलैहिस्सलाम को जो सताया, ये किया, वो किया, ऐसे हालत आप पर तो नहीं आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जाती थी। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वस्बिर, सब्र करो, फइन्नल्लाह ला युदीउ अज्रल मुहसिनीन, फलौला काना मिनल कुरून मिन कब्लिकुम قولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم। अल्लाह तबारक व ताला फिर अगली उम्मतों की हालत बयान फरमाते, अगली उम्मतों के अंदर में कोई समझाने वाला नहीं होता था, कोई इस्लाह करने वाला नहीं होता था, कोई खैर की तरफ रहनुमाई करने वाला नहीं होता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफल में हमें और आपको जो दावत और तबलीग का काम मिला हुआ है, हम एक दूसरे को किसी भी तरीके से समझाते हैं। ऐसा नहीं कि हम जमात में निकले हुए हैं या दस में निकले हुए हैं और किसी को अच्छी बात बतलाई तो दावत और तबलीग का काम हुआ, किसी तरीके से भी अगर आप जो है कोई बुराई हो रही है और आपने उसको समझा दिया तो ये दावत और तबलीग हो गई। कहीं ऐसा फिर इससे इस्तेदलाल मत करना कि मौल साहब ने ना कहा कि जमात में नहीं जाने का, गलत मतलब नहीं लेने का, है ना। तो हर चीज़ जो है उसके लिए जो जो भी रास्ते हैं बाहर के, समझाना समझाना ये इस उम्मत का काम है, दावत और तबलीग है ना, ये इस उम्मत की खसूसियत है, अगली उम्मतों के पास में ये खसूसियत नहीं थी। सबसे सख्त जो मजहब था, सबसे ज़्यादा सख्त, वो कौन सा मजहब, यहूदी, यहूदियों का मजहब सबसे ज़्यादा सख्त। पैदाइशी तौर पर जो आदमी यहूदी है वही यहूदी रहेगा, दूसरा कोई आदमी यहूदी बन सकता नहीं है। आज भी उनका मजहब और मसलक यही है। इसलिए सारी दुनिया के अंदर में देखो और तारीख देखो, कौमों की, लोगों की, मजहबों के ऊपर में मानने वालों की सबसे ज़्यादा कौम मिलेगी तो कौन सी मिलेगी, यहूद मिलेगी, यहूद मिलेगी। और नसारा जो है, ये नसारा के अंदर में दावत और तबलीग है,
इसलिए वो नसरानियत को और मसीहियत को और ईसाइयत को फैला रहे हैं और बड़े बड़े एक सिस्टम के साथ में फैला रहे हैं ऐसे इलाकों के अंदर में कि बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, बिल्कुल हिंदू आदिवासी अनपढ़ लोग हैं और वहाँ पर उनको ईसाई बना दिया। अब ईसाई बना देने के बाद में उनका नाम भी बदल दिया गया, बस भूल गए उसको, कुछ भी नहीं। कहीं स्कूल बना दिया और कहीं पर जो है हॉस्पिटल वगैरह बना दिया। अब ये जो नाम है किसका नाम आया? ईसाई का नाम हो गया। उसका बाप उसका दादा ये तो हिंदू है, गैर मुस्लिम है, मुशरिक है, लेकिन ये नाम आ गया किसके अंदर में? ईसाइयत के अंदर में। फिर दूसरी नस्ल आएगी तो वो भी ईसाइयत के अंदर में, तीसरी नस्ल आएगी वो भी ईसा के अंदर, ईसाइयत के अंदर में। तो कह के भाई तू 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 ईसाई है, तेरा बाप ईसाई है, तेरा दादा भी तो ईसाई था। इस तौर पर फैलाते हैं ईसाइयत को और इसीलिए जो दुनिया के अंदर में ये मजहब भी ज़्यादा फैल रहा है। और ये तहकीक करने वालों का ये अंदाज है कि इस ज़माने के अंदर में हम सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर इस्लाम के खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ भी हम देखते हैं है, वो एक तरफ सब मुहक्किकीन का कहना ये है कि सबसे ज़्यादा इस्लाम रोज़ाना दुनिया के अंदर में फैल रहा है, इस्लाम रोज़ाना जो है दुनिया के अंदर में फैल रहा है। और ये जो इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपेगंडा किया जा रहा है, ये इसीलिए प्रोपेगंडा किया जा रहा है कि लोग इस्लाम से बचें और इस्लाम से दूर रहें। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला का निज़ाम भी अजीब व गरीब है कि कोई आदमी यूँ सोचता है कि भाई इतना ज़्यादा इस्लाम और इतना ज़्यादा मुसलमान कौन सा खराब और बुरा है कि जिसकी वजह से ये लोग बुराइयाँ 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 बयान करते हैं, लाओ ज़रा देखें स्टडी करें। तो स्टडी करते हैं तो वही मुसलमान हो जाता है। बाहर के पहले ज़माने के अंदर में ऐसा नहीं था। अल्लाह ताला फरमाते हैं फलौला काना मिनल कुरून मिन कबलिकुम, तुमसे पहली वाली कौमों में और तुमसे पहली वाली उम्मतों के अंदर में क्यों खैर वाले नेकी वाले इस्लाम वाले दावत और तबलीग वाले नहीं थे? यनहौन अनिल फसाद फिल अर्द, ज़मीन के अंदर में जो फसाद फैल रहा हो उस फसाद को वो क्या करते? रोकते नहीं थे। इल्ला कलीलम मिम्मन अंजैना मिन्हुम, मगर थोड़े से कि जो हमने जिनको नजात दे दी थी वो। वत्तबअल लदीना ज़लमू, और उन्होंने इत्तिबा और पैरवी की उनकी के जिन्होंने जुल्म किया। मा उतरिफु फीही, जिसके अंदर में वो ऐसो इशरत के अंदर में पड़ गए। वकानु मुजरिमीन, और वो थे ही गुनहगार। वमा काना रब्बुका लियुहलिका अल्कुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून। ये बड़ी तसल्ली की आयत है और बड़ी इत्मीनान की आयत है। आमतौर पर ऐसे जब फसाद वगैरह होते हैं हमारे यहाँ मुल्क के अंदर में, तो डराने वाले ऐसा भी डराते हैं कि यहाँ गरनाता जैसा हो जाएगा ना, कुर्तुबा जैसा हो जाएगा ना, स्पेन जैसा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ना, वो हो जाएगा। अल्लाह के अज़ाब से बचने की दो चीज़ें हैं, एक तो अल्लाह के रसूल का मौजूद होना, अल्लाह के रसूल का मौजूद होना। अल्लाह के रसूल की मौजूदगी के अंदर में अजाब नहीं आता और अजाब आया भी नहीं। जब भी अजाब आया तो अल्लाह ने अपने रसूल को अलग कर लिया। और दूसरा वमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फिरून, अल्लाह तबारक व ताला की शान ये नहीं है कि लोगों को अजाब दे जबकि वो इस्तिगफार करते हों। इसलिए 20 के अंदर में हजरत मुफ्ती साहब खानपुरी दामद बरकात उनकी तरफ से 3,000 मरतबा इस्तिगफार का सीगा पढ़ने के लिए व्हाट्सएप पर बताया गया था, और वो भी जमा के सीगे के साथ, यानी नस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के लिए कहा गया था। वमा काना रब्बुका, तेरे परवरदिगार की ये शान नहीं है लियुहलिकल कुरा, बस्तियों को आबादियों को हलाक कर दे बिज़ुल्मिन, जुल्म करके। वो अहलुहा मुस्लिहून, जबकि वो बस्ती वाले इस्लाह करने वाले हों, बस्ती वाले अल्लाह के अहकाम पर चलने वाले हों, अल्लाह को मानने वाले हों। वला उस्सा रब्बुका, अगर तेरा परवरदिगार चाहता लजअलन्नासा उम्मतन वाहिदा, सारी दुनिया के लोगों को एक मजहब के ऊपर में अल्लाह ताला डाल देता, एक ही मजहब के मानने वाले, दूसरा कोई मजहब नहीं। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, अल्लाह ताला को हुक्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला इरादे का भी मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला चाहे तो सारी दुनिया के लोग मुसलमान बन जाए, लेकिन नहीं बनेंगे, इसलिए कि अल्लाह ताला नहीं चाहता और अल्लाह ताला चाहेगा भी नहीं।
वला उसा रब्बुका, अगर तेरा परवरदिगार चाहता, लजअल अन्नास उम्मतन वाहिदा, तमाम लोगों को एक उम्मत बना देता, वला यज़ालून मुख्तलिफीन। ये मैं यकीन के साथ में कहता हूँ कि नहीं चाहता नहीं करता, आगे अल्लाह ने बयान फरमाया कि वला यज़ालून मुख्तलिफीन, ये दुनिया के अंदर में जितने भी मजाहिब हैं ये हमेशा इख्तलाफ ही करते रहेंगे, नहीं होगा ऐसा कि दुनिया के अंदर में एक मजहब बन जाए। इल्ला मन रहिम रब्बुक, मगर ये कि जिस पर तेरा परवरदिगार रहम करे। वलिदालिक खलकहुम, उनको इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया था जिन्नतों को, इंसानों को इबादत के लिए। वतम्मत कलिमतु रब्बिका, और तेरा परवरदिगार का कलीमा ये साबित आ जाए, नहीं अब सारी दुनिया के लोग मुसलमान बन जाए, सारी दुनिया के लोग मोमिन बन जाए, या आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आदम तक यानी कयामत तक के सारे लोग मोमिन बन जाए, तो जहन्नम में कौन जाएगा, जहन्नम में कौन जाएगा है? तो फिर अल्लाह ताला ने जहन्नम क्यों बनाई? और अल्लाह तबारक व ताला का कलाम कलाम अजली, कलाम कलाम अबदी, लोहे महफूज के अंदर में लिखा, क्या लिखा? लाम लान जहन्नम मिनल जिन्नति वल नासी अजमाइन। हाँ ये है तर्जुमा, बराबर करेंगे। जरूर बे जरूर भरूंगा, अल्लाह ताला कहते हैं जरूर बे जरूर भरूंगा जहन्नम, जहन्नम को किससे भरूंगा? मिनल जिन्नति, जिन्नतों से, वल नासी अजमाइन, और तमाम लोगों से। तो अल्लाह तबारक व ताला ने लोहे महफूज के अंदर में अगर ये बात लिखी हुई न होती तो अल्लाह ताला क्या करता? सब लोगों को ईमान वाला बना देता, लेकिन अल्लाह ने नहीं बनाया। क्यों? वतम्मत कलिमत रब्बिका, ईमान वाले नहीं बनाया, अलग अलग मजहब बनाए और अल्लाह के मानने वाले बनाए, उनके लिए जन्नत, नाफरमानों को पैदा किया उनके लिए जहन्नम। तो अल्लाह की जो बात थी कलिमा वो साबित हो गया, वतम्मत कलिमत रब्बिक। खैर बस आखिरी बात, आखिरी बात मेरी नहीं, अल्लाह अल्लाह की, अल्लाह की। वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक। ये जो सूरह हूद के अंदर में जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्से वगैरह बयान हुए, तो अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि वकुल्लन नकुस्सु अलैका, ये सारे किस्से कहानियां अंबिया अलैहिस्सलाम के जो हम तुम्हारे सामने बयान करते हैं, मिन अंबाइर रुसुल, रसूलों की खबरें, ये क्यों बयान करते हैं? मा नुसब्बितु बिही फुआदक, ताकि तुम्हारा दिल जो मजबूत हो जाए, तुम्हारा दिल मजबूत हो जाए कि इतने इतने तकलीफ अंबिया अलैहिस्सलाम ने दावत और तबलीग के काम के अंदर में उठाई थी, तो तुम्हारा दिल भी मजबूत हो जाए। वजह अकफी हाजी अलहक्कु, हमने तो अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्से बयान किए, उनकी कौमों का हाल वगैरह बयान किया, लेकिन इसके जिम्न के अंदर में हक बात भी आ गई, अल्लाह को मानना, अल्लाह के रसूल को मानना, ये भी आ गया। मानेगा तो जन्नत में जाएगा, नहीं मानेगा तो जहन्नम में जाएगा, ये बात भी इसके अंदर में आ गई। वह मौइज़तुन, और नसीहत भी आई। वह ज़िक्रा, और ज़िक्रा ज़िक्रा हमेशा आदमी जिसको याद रखे, जैसे कोई आदमी सफर में जाता हो तो उसको कोई अलामत और निशानी के तौर पर कोई चीज़ दे दी कि लो ये हमारी यादगार, उसको ज़िक्रा कहते हैं। और ज़िक्रा लिल मोमिनीन, ये जो अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्से है नहीं, एक तरफ तो नसीहत की चीज़ें हैं और एक तरफ तो ज़िक्रा है, ज़िक्रा यानी हमेशा सामने रखना पड़ेगा, उसको कोई ज़ाया न करे। वकुल लिल्लज़ीना ला युमिनूना, और कह दो उन लोगों को कि जो ईमान नहीं लाए, ए अमलु अला मकानतिकुम, तुम अपनी जगह पर काम करो न, अमल करो तुम अपनी जगह पर, इन्ना आमिलुन, हम हमारी जगह पर अमल करते हैं। और कौन हक पर है कौन ना हक पर है, और कौन रुस्वा होगा दुनिया में आखिरत के अंदर में, तो अल्लाह का फैसला होगा तब मालूम पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह बारी ताला फैसला कर दे और अल्लाह ताला फैसला कर दे, ऐसा नहीं है। वन तदीरू, इंतज़ार करो, जुल्मा का है बदला अल्लाह ताला देता है, मजलूम की भी अल्लाह तबारक व ताला मदद करता है, लेकिन उसके लिए वक्त मुतय्यन होता है। वन तदीरू, इंतज़ार करो, इन्ना मुंतदीरून, बेशक हम इंतज़ार करने वाले हैं। आखिर में वलिल्लाही गैबुस समावाति वल अर्दी,
अल्लाह ही के लिए आसमानों और जमीनों की गैब की बातें हैं। व इलैहि युरजाउल अम्र कुल्लुहु, सारे उमूर सारे हालात अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ रुजू किए जाते हैं, रुजू होते हैं, यानी अच्छा हाल बुरा हाल सब अल्लाह ही की तरफ से होता है। हर हाल के अंदर में हमको क्या करना है, फअबुदहु उसकी इबादत करो, उसकी बात को मानो, व तवक्कल अलैहि और उस पर तवक्कुल करो और उस पर भरोसा करो, व मा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं अल्लाह तबारक व ताला कि तेरा परवरदिगार, व मा रब्बुका तेरा परवरदिगार गाफिल नहीं है किन से, अम्मा तअमलून जो कुछ भी तुम अमल करते हो। इसके ये तो तफसीर तो ख़त्म हो गई, उसमें कुछ बातें थी वो भी रह गई, किसी दिन इंशाल्लाह बयान करेंगे। लेकिन एक बात जो है मुझे आपको पढ़ करके सुनाना है, ये सुना करके बात ख़त्म कर देता हूँ। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमने माल्टा की ज़िंदगी में दो सबक सीखे हैं, जेल में गए थे न, ये अल्फाज सुनकर सारा मजमा हमातन गोश हो गया। यानी हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब जेल से बाहर निकले तो सब उलमाए किराम थे, तो उनसे ये फरमाया तो हमातन गोश हो गए। और इस उस्तादुल उलमा और दुर्वेश ने 80 साल उलमा को दर्श देने के बाद आखिरी उम्र में जो सबक सीखे हैं वो क्या है, फरमाया शेखुल हिंद ने कि मैंने जहाँ तक जेल की तन्हाइयों में इस पर गौर किया कि पूरी दुनिया में मुसलमान दीनी और दुनियावी हर हैसियत से क्यों तबाह होते जा रहे हैं, तो इसके दो सबब मालूम हुए मुसलमानों की बर्बादी के। दो सबब, एक उनका कुरान को छोड़ देना, एक कुरान को छोड़ देना, दूसरा उनके आपस के इख्तिलाफात और खाना जंगी, आपस के इख्तिलाफात। इसलिए फिर फरमाते हैं शेखुल हिंद, इसलिए मैं वहीं से यानी जेल से, इसलिए मैं वहीं से ये अज़्म लेकर आया हूँ, अज़्म यानी पुख्ता इरादा, अज़्म लेकर आया हूँ कि अपनी बाकी ज़िंदगी इस काम में सर्फ करूँ, बाकी ज़िंदगी इस काम में सर्फ करूँ कि कुरान करीम को लफ्ज़न और मानन आम किया जाए। ये पहला मकसद, कुरान करीम को लफ्ज़न और मानन आम किया जाए और मुसलमानों की बाहमी जंग और जिदाल को किसी कीमत पर बर्दाश्त न किया जाए। ये दौरान मुताला एक किताब है वहदत उम्मत, इसके अंदर में मैंने पढ़ा तो ये सोचा कि इंशाल्लाह आखिरी ही दिन है, अल्लाह तबारक व ताला बगैर रोजे के 30 रोजे का सवाब दे तो हदिया है अल्लाह की तरफ से। तो हम ये चाहते हैं कि हफ्ते के अंदर में एक दिन इंशाल्लाह मशवरे से जो भी हो तो तफसीर करेंगे आधा घंटे तक, अल्लाह ताला तौफीक अदा फरमाए। और दूसरी बात ये बयान करना था कि एक है शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, तो अल्लाह का शुक्र हम अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमको तौफीक अदा फरमाई, रमज़ान की तौफीक अदा फरमाई, रोज़ों रखने की तौफीक अदा फरमाई, नमाज की तौफीक अदा फरमाई। अब ये मजमून भी है बहुत लंबा है लेकिन वक्त अभी बिल्कुल ख़त्म ही हो रहा है, तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करें। और दूसरा जो कुछ भी हमने नेक अमल किए, नमाज है, तिलावत है, रोज़ा है, जिक्र है, जो भी है, तो उसके अंदर में हम अपनी कोताही का एतराफ़ करें, इकरार करें, तकसीर यानी कोताही का एक एतराफ और इकरार करके, बारी ताला तूने हुक्म दिया था नमाज पढ़ने का लेकिन मैं नमाज ऐसा नहीं पढ़ सका जैसा कि तू चाहता था, रोजे का तूने हुक्म दिया तो मैंने रोज़ा तो रखा लेकिन तू जैसा चाहता था ऐसा मुझसे रोज़ा अदा नहीं हो सका। तो उलमाए किराम ने लिखा है कि आदमी नेक अमल करे, उसके ऊपर में शुक्र बजा लाए तो लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे तो और ज़्यादा अल्लाह तबारक व ताला तौफीक देगा। और अपने
काम की और अपने अमल की कोताही हम अपने सामने रखेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ आजीजी और तवाजू करने की तौफीक भी होगी और दिल के अंदर में तकब्बुर और किबरा भी नहीं आएगा। और हज़रत थानी रहमतुल्लाह अलैह फरमा करते थे कि एक अमल किया आपने और उसी अमल की तौफीक दूसरी मरतबा हुई तो यूँ समझो कि अगली वाला अमल तुम्हारा अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया। तो एक तो हम अपनी कोताही का अल्लाह ताला के सामने इकरार करते हैं, अल्लाह ताला हमारी कोताहियों को माफ़ फरमाए, कुरान की तफसीर के अंदर में अगर कुछ कोताहियाँ हुई है तो वो माफ़ फरमाए। अगर मैं तो इसके अंदर में किसी को टारगेट बनाता नहीं हूँ और तफसीर जो तफसीर है वही कहता हूँ, बयान नहीं करता हूँ, तफसीर में वही कहता हूँ। बाज मरतबा दो तीन आदमी ने मुझे कहा भी था कि ये कहो ने वो कहो ने वो नहीं है, जो कुरान कहता है वही कहते हैं। लेकिन अगर किसी को तकलीफ पहुँची हो तो उसकी नहीं।